अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शैबिन किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है वाइट फॉइल चिकन, जो चीज़ी, क्रीमी और सॉसी बनने वाली है। बट रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पर चिकन ली है मैंने 12 पीसेस, ड्रम स्टिक्स लिए हैं, इसे वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इस तरह से गैशेज लगा लिए हैं इसे। इसके बाद हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो यहाँ पर लिया है जिंजर गार्लिक 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून मैंने डाला है, ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून। इसके साथ हम ले लेंगे चाट मसाला 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ले लेंगे 1/2 टीस्पून। और इसके बाद हमने ऐड करना है वाइट पेपर, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ये लेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद हमने ऐड करना ब्लैक सॉल्ट, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये 1/2 टीस्पून मैंने लिया है। यहाँ पर कोर्सली चॉप की हुई मैंने ग्रीन चिलीज ली है, पेस्ट नहीं डालेंगे नहीं तो हमारे जो चिकन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो चॉप की हुई डालना है हमने, बारीक चॉप की हुई। ऑयल डाल देंगे 1 टीस्पून और उसके बाद हमने डालना है लेमन जूस 1 टीस्पून। थिक दही ले लेंगे हम, ये 1/2 कप के करीब है। अगर आपकी दही थिक नहीं है तो आप थोड़ा सा छन्नी पे रखकर इसे स्ट्रेन कर ले, इसका एक्सेस पानी निकाल दें। तो थिक दही हमेशा मैरिनेशन में जाता है तो मैरिनेशन बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम ले लेंगे क्रीम, क्रीम ले लेंगे 1/2 कप। यहाँ पर घर की क्रीम भी आप ले सकते हैं और बाज़ार की जो भी आपके पास है, मार्केट की जो भी क्रीम है आपके पास वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे चिली फ्लेक्स, चीज़ डालेंगे 2 टेबलस्पून, जो भी है मोज़रेला चीज़ है या स्लाइस चीज़ है उसको ब्रेक करके डाल दें। चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1 टीस्पून और उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे मिनिमम 1 आवर के लिए छोड़ दें। मैं इसे फ्रीज़र में रख रही हूँ क्योंकि मुझे सारी चिकन नहीं बनाना है, सिर्फ थोड़ी सी बनाना है। बट इसे आप 1 घंटे के लिए हम मैरिनेशन के लिए छोड़ दें या रात भर के लिए छोड़ दें। अब यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। आप डीप फ्राई करना चाहते हैं, एयर फ्रायर में करना चाहते हैं या बेक करना चाहते हैं या ग्रिल करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने चिकन को इस तरह से मैरिनेशन करने के बाद इस तरह से चिकन को कुक करना है। तो यहाँ पर चिकन हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई कर रही हूँ, मुझे डीप फ्राई इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं, पसंद नहीं है। अब फ्लेम मीडियम रख के हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। तो बस 5 से 6 मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे। नीचे भी अगर हम टर्न करते हैं जो मसाला है वो बहुत जल्दी से निकल जाता है, इसलिए चिकन को टाइम देंगे और उसके बाद ही हम इस तरह से चेंज करेंगे पोजीशन इसकी, तो गोल्डन कलर आ जाता है। तो चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, टोटल 10 मिनट्स लगता है चिकन को फ्राई होने के लिए। बस ये बिल्कुल रेडी है, बस इसे निकाल लेंगे। तो जो हमारा मैरिनेशन का और फ्राइंग का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसका वाइट सॉस प्रिपेयर करना है, तो वाइट सॉस हम देख लेते हैं। तो इमीडिएटली हमने इस शुरू कर देना है। तो यहाँ पर लिया है मैंने 2 टेबलस्पून बटर और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जो मैरिनेशन का जो मसाला था हमारे पास जो था, उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसे फेंकेंगे नहीं, हम इसके अंदर सॉस के अंदर डाल देंगे। तो ये जितना भी आपके पास रिमेनिंग बचता है वो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी, तो यहाँ पर मेरे पास 1/4 कप के करीब ही है, लेकिन आपके पास जितना मैरिनेशन का मसाला बचता है वो सारा आप इसके अंदर डाल दें। इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे 30-40 सेकेंड। उसके बाद जब थोड़ा सा कुकिंग पे आ जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम के। तो 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर क्रीम के लिए है, थिक क्रीम, यहाँ पर घर की मलाई भी ले सकते हैं आप। और उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर चीज़। तो चीज़ हमने डालना है 2 टेबलस्पून या ब्लॉक में डाल दें। यहाँ पर जो फ्रीज़र की चीज़ थी ये, तो ये इस तरह से मेल्ट नहीं हो रही थी जल्दी, लेकिन जब भी थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तब हमने इसके अंदर ऐड करना है फ्राई की हुई चिकन। तो बस ये सॉस हमारा जो है मेल्ट बन रेडी हो चुका है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डालना चाहते तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दूध नहीं ऐड किया। अब ये थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो गया, अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे चिकन के पीसेस। चिकन के पीसेस डालने के बाद इससे बस एक दो सेकेंड के लिए हम इसे फोल्ड कर लें और फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि जितना चीज कुक होगा वो उतना थिक होता जाएगा। तो यहाँ पर इसे फ्लेम को बंद कर देंगे और इमीडिएटली हमने इसे सर्व करना है या फिर आपको थोड़ा ठहर के करना है, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैंने फॉइल के इस तरह से स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं, उसके ऊपर हम चिकन का एक पीस रखेंगे और थोड़ा सा वाइट सॉस इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे। तो चिकन और सॉस दोनों एक साथ हमने डाल देना है। अब इसके ऊपर अगर आप चीज़ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं डाला। अब इस तरह से पैकेट को हम पैक कर लेंगे। तो ये हमारा एक जो फॉइल चिकन है वो रेडी हो गया है। चिकन का एक पीस डालेंगे, थोड़ा सा सॉस डाल देंगे और उसके बाद ये पैकेट हम
फोल्ड कर देंगे इस तरह से, फॉइल को हम इस तरह से पैक कर लेंगे, जिस तरह से गिफ्ट रैप करते हैं उसी तरह से हमने इसे रैप कर देना है। तो ये बहुत ही दावतों के हिसाब से मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है कि आपने इसे दोपहर में प्रिपेयर किया और मेहमानों के आने से एक 15-20 मिनट पहले आपने इसे हीट अप करके टेबल पर सर्व किया। तो बहुत ही कन्वीनियंट वाली ये रेसिपी है और ज़रा भी इसे बनाते हुए ज़रा भी थकन नहीं होती है और बहुत ही मज़े की रेसिपी लगती है। तो यहाँ पर इसे ये रेडी हो गया। अब इसे प्रेजेंटेशन करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है नेट का पैन। नेट के पैन को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, हीट अप कर लेंगे, उसके ऊपर हमारी ये चिकन की जो पैकेट्स है वो डाल देंगे। अगर आप ग्रिल पैन नहीं है, आपके पास नेट का पैन नहीं है, तो आप सिजलर पैन के ऊपर भी इसे हीट अप कर सकते हैं और इसी तरह से आप सर्व भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा और ज़बरदस्त लगेगा कि आपने सिजलर पैन के अंदर से सर्व किया है। तो ये मेथड आप अपने हिसाब से कीजिएगा, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो यहाँ पर बस इसे एक मिनट हम इस तरह से उलट पुलट करके सेक लेंगे और बस इसे हम निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए और ये खाने के वक्त भी इतनी ज़बरदस्त थी, ये बहुत बच्चों के लिए बहुत पसंद आती है। मैं आपको एक ओपन करके दिखा दूँ, ये कितनी यम्मी सी और सॉसी सी चिकन थी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो तीखा बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, क्रीमी सॉसी और जूसी सी। तो आई होप आपने इंजॉय किया होगा इस रेसिपी को। तो इसे आप ज़रूर आपके दावत के मेन्यू में ऐड कीजिएगा और वीकेंड्स में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो होप आपने इंजॉय किया होगा इस रेसिपी को। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नई वीडियोज़ में नई रेसिपीज़ के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।